वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है न्यू मून इन सेजिटेरियस के बारे में, और साथ ही साथ जो सूर्य ग्रहण लगेगा 4 तारीख को, ये रीडिंग रहेगी उसी के बारे में। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापिस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। तो आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले आपके ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन से पहले दो बातें कर लेते हैं। तो न्यू मून जो है वो 3 या 4 दिसंबर के बीच में लगेगा, क्योंकि 4 तारीख की रात को लग जाएगा, 3 तारीख की रात को लग जाएगा, तो 44 पे, तो इसलिए 4 तारीख में ही गिना जाएगा वो, क्योंकि नेक्स्ट डे शुरू हो ही जाता है 12 बजे के बाद में। तो ये 3 तारीख की रात में लगने वाला है 2:44 पे, यानी कि न्यू मून जो है वो 2:44 पे या 2:45 बजे रात को लग जाएगा। सोलर इक्लिप्स जो है वो लगेगा 12:30 से 1:30 बजे के बीच में, एक घंटा 43 मिनट या 45 मिनट ऐसी ही उसकी अवधि रहेगी। वैसे सोलर इक्लिप्स जो है वो दिखाई नहीं देने वाला है इंडिया के अंदर, तो सूतक काल मान्य नहीं होगा। और साथ ही साथ क्योंकि जब प्लेनेटरी चेंजेस होते हैं उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है, तो बेशक सूतक काल मान्य नहीं होगा, लेकिन इसकी एनर्जीज आपको हिट भी करेंगी और आपको इफेक्ट भी करेंगी। तो उसी के अनुसार देखेंगे कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है। और जैसे कि हमने पिछली बार डिसाइड किया था कि हम जो भी रीडिंग देखेंगे वो देखेंगे पिक अ कार्ड रीडिंग के दौरान, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को, आपके ऑप्शन देख लेते हैं। आज की रीडिंग के लिए जो ऑप्शंस चुनने हैं उसके लिए मैंने चुना है द लाइफ नेविगेटर डेक, क्योंकि डेफिनेटली लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा, तो लाइफ नेविगेटर डेक से अच्छा कौन सा डेक हो सकता है ऑप्शंस के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे स्पिरिट डिवाइन क्या गाइड करना चाहती है। आप सभी की स्पिरिचुअल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर होने के लिए। रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस, तो देखते हैं ऑप्शन टू को यहाँ पर क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन टू की टीम। ओके, ऑप्शन टू के लिए यहाँ पे कार्ड है हेल्थ का, डेफिनेटली अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान रखना ही होगा। तो देखते हैं ऑप्शन थ्री को यहाँ पे स्प्रिट कौन सा कार्ड देना चाहती है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ का। ऑप्शन वन के लिए ये कार्ड है, ऑप्शन टू के लिए ये है, और ऑप्शन थ्री के लिए ये कार्ड है। आप चाहें तो मैसेज से चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इमेज से चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, और आप चाहें तो कोई भी दो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन वन के साथ में। वेलकम ऑप्शन वन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए सोलर इक्लिप्स की और न्यू मून की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो ये जो न्यू मून है या फिर सोलर इक्लिप्स कह लीजिए, ये दोनों ही इफेक्ट करेंगे हायर पोजिशंस को, अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को, और आपके पर्सनैलिटी को। साथ ही साथ रेस्ट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, और चीज़ों को रिसीव करने के लिए आपके लिए अच्छा समय ये रहने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, कार्ड्स आपके लिए अपने आप ही आ रहे हैं। जैसे आपके जीवन का कोई ऐसा एरिया है जिसको बहुत जल्दी अब सही होना है, और उसके लिए शायद आप पिछले काफ़ी वक्त से तैयारी कर रहे हैं। जो भी डिसीजंस आप लेना चाहें या फिर जो भी बड़े डिसीजन आप लेना चाहें उसके लिए कम से कम 1 महीने का वेट कीजिएगा। जो भी बड़े डिसीजन आप करें उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए अगर कोई बड़ा डिसीजन करना चाहते हैं, प्लानिंग तो जरूर कीजिए, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 महीने का वेट जरूर कीजिएगा। तो अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेंगे, गुस्से में लेंगे, ईगो में लेंगे, उसका आपको नुकसान हो जाता है। अगर ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी आप लेते हैं, या फिर आपको लगता है कि आप सही कर रहे हैं, और उसमें आपका जो ईगो है या फिर आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल की एनर्जीज हैं अलग ही तरह की रहती हैं, तो उसका भी असर आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, ईगो के अंदर करके लिया गया डिसीजन, या कन्फ्यूजन में किया गया कोई डिसीजन, डेस्परेशन में किया गया कोई डिसीजन, आपकी इंटेलिजेंस को प्रभावित यहाँ पे करने वाला है। तो जो कुछ भी काम करेंगे उनको बहुत ही कॉन्शियसली कीजिएगा, और आपकी रीडिंग में तो वैसे भी कार्ड अपीयर है टेम्परेंस का, तो पेशेंस रखकर ही कीजिएगा। जो भी डिसीजन करना चाहें उसमें आपकी माइंड बॉडी एक रिदम में होनी चाहिए, आपकी सोल के साथ आपका अलाइनमेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो यही है कि आपके खुद के कर्मास किस तरह के हैं। जैसे कि मैं पिछले काफी वक्त से बताती आ रही हूँ आप लोगों को कि इसका असर रहने वाला है, और आपके जो भी कर्मास हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट डेफिनेटली करने वाले हैं। जो भी आपके फेट को इफेक्ट करेंगे, यानी कि आपके भाग्य को जो कुछ भी अब बदलेगा, वो आपका कर्मा, आपका पाथ और आपकी चॉइसेस हैं। ईगो बेस्ड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, कन्फ्यूजन है, तो प्रॉब्लम होगी। सही पाथ को चूज कर रहे हैं, आपके कर्मा सही हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर आपको लगता है नेगेटिविटी है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं।
देखिए ये कुछ ऐसा ही है कि आपको कुछ कुछ एनर्जीज वापस मिलेंगी, जो यूनिवर्स में आपने दे रखा है वही चीजें आपको अब वापस मिलने वाली हैं। तो आपने क्या दे रखा है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। चीजों में जो आपकी डायरेक्शन है शिफ्ट होती रहेंगी और आपको समझ में आता रहेगा कि आपको अपनी सिचुएशन में अपने माइंड में कितना क्लियर होना है। तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है ये कार्ड कहता है कि बहुत सारी अवेकनिंग है आपकी और बहुत सारी नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिल रही है। अवेकनिंग से मतलब यही है। देखिए अगर आपको अवेकनिंग का वर्ड समझ में नहीं आता है तो एक सिंपल सी चीज़ है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो डायमेंशन है वो शिफ्ट हुआ है, 3D से 5D में गई है। ये एनर्जी लेवल पे हुआ है, सब कुछ कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक कॉन्शियसनेस लेवल पे यानी कि चेतना के स्तर के ऊपर एक बदलाव आया है। अगर ये बदलाव के साथ आप नहीं बदले हैं तो फिर चीजें मुश्किल हैं, यानी कि फिर आपके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी, एक स्ट्रगल रहेगा। अगर सिचुएशन के साथ में आप बदल रही हैं, चीजों के साथ में आप बदल रही हैं, एनर्जीज के साथ में आप बदल रही हैं, अपनी लाइफ के पैटर्न्स के साथ आप बदल रही हैं, तो फिर आपके लिए चीजें हेल्पफुल होती हैं, अदरवाइज वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो पाती। जो परिवर्तन है वो इस संसार का नियम है, अगर आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं करते हैं तो चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो ये आपके बारे में नहीं है, आपको मैं एक नॉर्मल बात बता रही हूँ जिसके कारण ये, जिसके ऊपर ये एनर्जीज इफेक्ट करने वाली है, या जो जो असर इसका होने वाला है। जैसे कि पिछली बार हमने डिसाइड किया था कि रीडिंग के दौरान ही आप लोगों को ये बात बताई जाएगी ताकि आप लोग इस बात को अवॉइड ना करें, या जल्दबाजी में रीडिंग सुनने के कारण आप इस चीज को अवॉइड कर देते हैं कई लोग और सीधा पिक कार्ड में आ जाते हैं। तो आप सुने इस कारण से मैंने, हालांकि मुझे दुगनी मेहनत पड़ेगी क्योंकि मुझे हर पाइल में सेम चीज बोलनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये मेहनत कर लूंगी। आप लोग सुने जरूर लेकिन इस बात को। तो सेल्फ हेल्प आपके लिए जरूरी है, खुद की केयर करना आपके लिए जरूरी है, अपने इनर विजडम को यूज करना आपके लिए जरूरी है। अपने कर्मास को वॉच कीजिएगा। कर्मा सिर्फ वही नहीं है जो आप करते हैं, कर्मा वो भी है जो कि आपके मन में आता है। किसी को देख के नफरत, गुस्सा, एंजाइटी, जजमेंट, इन सबसे बचने की कोशिश कीजिएगा। और ये सिर्फ बचने की कोशिश ही नहीं करनी है, ये एक लाइफस्टाइल है, इसको अपने लाइफस्टाइल में लेकर आइए कि जजमेंटल नहीं होइए, गुस्सा नहीं होइए, कंफ्यूज नहीं होइए, इतना स्टेबल रहिए अपनी लाइफ में कि जब कोई भी सिचुएशन आती है उसमें आप एक बैलेंस्ड बिहेवियर कर पाए, या जब सिचुएशन आपकी लाइफ में कोई सामने से हिट करती है तो आप सोच समझ कर डिसीजन ले पाए, एंजाइटी ना हो, आपको एग्रेशन ना हो, आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब ना हो, और हो भी तो आप उसको बैलेंस में ला सके, उसके फ्लो में ना बह जाए। आपने जो यहाँ पर मैसेज भी चुना है ये कार्ड है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का, तो ये कार्ड भी यही कहता है कि बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए जरूरी है, चाहे वो आपके रिश्ते हैं, आपकी सोच है, ये रिलेशनशिप आपका खुद से भी है, आपके आसपास के लोगों से भी है, और सारी सिचुएशन से भी है। आपकी माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों चीजें अगर आपकी रिदम में नहीं होंगी तो आपको सिचुएशंस में या हालातों में डिसीजन लेने में, कोई एक्ट करने में दिक्कत हो सकती है। द हैंडमैन का कार्ड आपके लिए उसी एनर्जीज की बात करता है जो कि आपको एक ऐसे बैगेज से बाहर निकालती हैं जो कि जिसमें आप बहुत ज्यादा स्टक रहते हैं, या फिर जिसमें स्टक रहकर आप अपने लिए कोई ग्रोथ नहीं कर पाते। थोड़े से कंफ्यूजन में आप रह सकते हैं। देखिए ओपन हार्ट और ओपन माइंड से सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन एक बार पहले कार्ड ले लेते हैं आपके, देखते हैं कि आपकी एनर्जीज यहाँ पे किस तरह की हैं और आपको यहाँ पर स्पिरिट यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। वैसे आपके कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं क्योंकि एक अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं, आपके अलाइनमेंट में जाने की बात कर रहे हैं, और आप शायद पिछले काफी वक्त से अपने ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके। ओके, यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट का कार्ड, तो किसी चीज को पूरा ना कर पाने का जो गिल्ट है वो भी आपके अंदर हो सकता है कि रहे, या फिर वो उभर जाए, क्योंकि कुछ चीजें रिलीज भी होंगी, रिलीज करने के लिए भी ये वाला न्यू मून बहुत ही अच्छा है आपके लिए। सर फुल मून के ऊपर रिलीज करते हैं, लेकिन ये जो न्यू मून है क्योंकि सोलर इक्लिप्स भी है, आपके लिए रिसीव करने के लिए और रिलीज करने के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा ही है कि आप बहुत समय से अपनी चीजों को चेंज करना चाहते हैं और बहुत सारे बैगेज भी आपके ऊपर रहे हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में या इस टाइम पीरियड के बाद से आपके अंदर आपका जो मन है आपको प्रेरित करेगा उन सारे बैगेज से बाहर निकलने के लिए, या अपने आप को फ्री करने के लिए, और ये फ्री होना या खुद को फ्री करना ही आपकी लाइफ में एक रिलैक्सेशन वाली एनर्जी लेकर आएगा। जो भी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन रही है जिसमें आप स्ट्रक हैं या फिर अपने आप को आप बंधा हुआ महसूस करते थे, वहां से बाहर निकलने के लिए अब आप तैयार होंगे और अपनी सिचुएशन में एक नई एनर्जी क्रिएट करने के लिए भी तैयार होंगे। यहाँ पर आपकी जो सिचुएशन है उसमें कुछ ऐसा ही है कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने वाले हैं, और ये बैलेंस जो आपके लिए है ये इस तरह से है कि आप अपने आप को फ्री फ्लो में छोड़ देंगे और यूनिवर्स को
आप जो कुछ भी वो चेंज करना चाहता है आपकी लाइफ में या लेकर आ रहा है उसको आप चेंज करने देंगे, यानी कि आप यूनिवर्स को अलाउ करेंगे, उसको परमिशन देंगे और वो आपके लिए बहुत सारे शिफ्ट यहाँ पे लेके आएगा। और उसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है, उसमें सबसे खूबसूरत बात ये आपके चार कार्ड हैं। ये कार्ड कहते हैं, हालांकि अदर कार्ड्स भी आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये चार कार्ड आपकी लाइफ की आगे की कहानी कहते हैं। आपकी सिचुएशन में आप अपनी जो डिजायर आउटकम है वो आपको मिलेंगे, यानी कि जो आपके मन की इच्छा है वो पूरी होंगी। टैरो का विश कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, रिपनेस का कार्ड है, तो ये सारी चीजें एक भरपूरता की बात करते हैं, जहाँ पे आपके लिए खूब सारी एबेंडेंस होगी और आपका जो माइंडसेट होगा वो भी एबेंडेंस वाला होगा। अगर नहीं है तो उसको आप क्रिएट करने की कोशिश की, जो भी आपके बैगेजेस हैं उनको आप उतारेंगे। अब आपका फोकस रहेगा अपने आप को फ्री करने की तरफ। आप चाहेंगे कि आप किसी भी बैगेज में स्टक ना रहें, आप चाहेंगे कि आप जीवन में जो भी मंजिल पाना चाहते हैं उसकी तरफ आप बढ़े, जो भी हीलिंग आप चाहते हैं वो आपको मिले। अब आप अपनी लाइफ में एक सुधार की गुंजाइश को देखेंगे और उसको होने देंगे। यहां पर आप बहुत ही ज्यादा ओपन हार्ट और माइंड से यूनिवर्स की इन एनर्जीज को रिसीव करने वाले हैं। अभी तक जो बिलीफ सिस्टम आपको समझ में नहीं आते थे कि क्या हो सकते हैं, क्या आपकी ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, कहाँ पे आप चीज़ों को देख नहीं पा रहे हैं, आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। आप अकेले नहीं रहना चाहेंगे, यानी कि अब तक आप शायद बहुत अकेले रहते रहे हैं। आपकी हीलिंग को लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना हो उसमें भी आपको एक बहुत ही पेशेंस रखना पड़ा है और ये आप रखेंगे भी। अब अपनी लाइफ में एक पेशेंस की एनर्जी से ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये न्यू मून की एनर्जीज आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली आपकी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रेरित करेंगी और आप वो करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट आप यहाँ पे चेंज करेंगे। एक न्यू एनर्जीज के साथ में आप चीजों को देखना चाहेंगे, अपने अंदर की लाइट को आप बाहर निकालना चाहेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि आपके कैरियर में बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है, या अपने कैरियर में आप कोई नई दिशा निर्धारित कर सकते हैं, या आप कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है बैक पेन से परेशान हो, या फिर आपको बैक में पेन रहता हो, तो अगर कुछ ऐसा है तो वहां पर भी आपकी हीलिंग होने की गुंजाइश रहेगी। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यू मून का टाइम है और सोलर इक्लिप्स है, इनकी राहु केतु की दशा है, तो राहु केतु जो है आपके मन को प्रभावित करते ही करते हैं, तो मन विचलित रह सकता है। चाहे आप कितना भी अपने आप को संभालने की कोशिश करें और अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें, लेकिन मन आपका विचलित भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज हैं उसमें समझ में आ रहा है कि बैगेज उतारने की इच्छा में आपके ऊपर बहुत सारा इफेक्ट पड़ने वाला है। अपने माइंड बॉडी हार्ट को, अपनी सोल को आप फ्री करना चाहेंगे ऐसे किसी भी बैगेज से या पुराने थॉट पैटर्न से जिसमें आप अभी तक स्टक हैं। और जैसे कि राहु केतु की दशा है, तो जिनकी भी राशि लिब्रा है, जेमिनी है, स्कॉर्पियो है या टॉरस है, उनके ऊपर इसका असर रहने वाला है और सजिटेरियस पे भी रहेगा ही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपका लगन भी लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो या टॉरस में है, धनु राशि में है, इनके ऊपर भी कोई ना कोई असर रहेगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप अदर राशि के या अदर लग्न के हैं आपके ऊपर असर नहीं होगा, आपके ऊपर भी ये असर पूरा होगा, लेकिन इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको अगर बहुत ज्यादा अकेलापन लगे, या फिर आपको नेगेटिविटी हावी हो, या आपको नेगेटिव एनर्जीज महसूस हो, क्योंकि अगर आपकी राहु या केतु की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी राहु केतु से रिलेटेड इस टाइम पीरियड में चल रहा है और राहु केतु एक्टिव है, तो जो अदर एनर्जीज हैं, ये नेगेटिव फोर्सेस हैं, उनका असर भी आपको दिखाई दे सकता है। या फिर अगर आपको इस तरह की चीजों से डर लगता है, तो हो सकता है आपको कोई इस तरह के डर ज्यादा लगे, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत ऐसा है जिसमें तांत्रिक फोर्सेस भी बहुत हाई रहती हैं, या जो नेगेटिव फोर्सेस भी हैं बहुत हाई रहती हैं। तो इसके लिए सिंपल सी एक चीज है, इसमें डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। हनुमान चालीसा को अपने जीवन का आप मंत्र बना लीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। जो पंचमुखी हनुमान जी का जो कवच है आप वो पढ़ सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, सूर्य मंत्रास का जाप कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज को हाई रखने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं वो आपको जरूर करना चाहिए। ओवरऑल आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी रहेंगी और बहुत ही बैलेंस रहेंगी, क्योंकि आप बहुत सारे जो बैगेजेस के अंदर अभी तक दबे हुए हैं उन सारे बैगेजेस से आप बाहर आएंगे। अपने रिलेशनशिप्स को भी आप बैलेंस करेंगे और कुछ मामलों में आप लोगों को माफ करेंगे और उनको अपनी लाइफ से लेट गो करेंगे। आप इसलिए पिछले काफी समय से शायद अपने पे काम कर रहे हैं चीजों को छोड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अब आपको ना मजा नहीं आ रहा है, आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज को, और यही चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको चीजों को एनालाइज करना जरूरी है और उसको समझना जरूरी है और यूनिवर्स के लिए अपने आप को ओपन करना जरूरी है। वो कहीं ना कहीं आप करेंगे ही करेंगे। ये कार्ड आपके लिए है टू ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये कार्ड कहता है कि अब सोचने विचारने का वक्त नहीं है, आपको कुछ एक्ट करना है अपने पैशन के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी
ऑपॉर्चुनिटी के ऊपर, अपने डिसीजन और ड्रीम्स के ऊपर। तो जो भी खुशियां आप अपनी चाहते हैं, ये आपकी विश कोई भी हो सकती है, किसी रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है, अपने लिए जॉब के लिए हो सकती है, पढ़ाई को लेकर हो सकती है, ये आपके लिए यहाँ पर आपको मिल रही है। लेकिन उससे पहले आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए जिसमें एक अबंडेंस हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट हो, तो उससे पहले आपको अबंडेंस से रिलेटेड मैनिफेस्ट करना होगा, यानी कि अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। अगर अपने माइंडसेट को आप चेंज कर लेंगे, अगर आप बैगेजेस को उतार लेंगे, तो अपने आप ही सारी सिचुएशन आपकी चेंज हो जाएगी। ओवरऑल आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है अगर आप होने देते हैं तो, और आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहते हैं तो। अगर आपको लगता है कि किसी पैटर्न के अंदर या किसी थॉट पैटर्न आपका सेम ही है और उसको आप चेंज नहीं करना चाहते, देखिए इस टाइम पीरियड में ना इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी सोच में एंजाइटी है, अगर आपकी सोच में गुस्सा है, आपको लगता है चीज़ें हो नहीं रही हैं, तो वो नहीं होंगी, क्योंकि यही आप यूनिवर्स को दे रहे हैं। ऑलरेडी आपके लिए जो भी कर्मा आप अभी तक आप बना चुके हैं, उससे भी आपका फेट बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो इसलिए प्रेयर्स कीजिएगा अपने लिए भी और अपने साथ में जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी। तो यहाँ मून के चैनल मैसेजेस में से देख लेते हैं आपके लिए क्या और मैसेजेस आ रहे हैं। तो लूनर इक्लिप्स से सोलर इक्लिप्स तक जो भी चेंजेस हुए हैं, उसका आपके ऊपर डेफिनेटली असर हुआ है और होगा, क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को बढ़ाने की या अपनी चीज़ों को एनालाइज करने की, अपने माइंड को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आपकी सिचुएशन पूरी तरह से चेंज नहीं हुई है। उसको चेंज होने के लिए अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रखना जरूरी है। लॉस्ट इन थॉट मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मेडिटेशन कीजिएगा। वैसे मेडिटेशन सभी को करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन ही आप लोगों को सभी को बचाकर रखेगा। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो आपके लिए वैसे भी आपने जो मैसेज चुना है, ये मैसेज है रिलेशनशिप्स आर अबाउट बैलेंस का। तो आपको यही कोशिश करनी है कि जो भी आपके आसपास लोग हैं उनके साथ एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करें। जजमेंटल नहीं होइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होइएगा। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा हो रहा है तो वो आपके लिए आपके भाग्य से हो रहा है। इसके लिए ना तो ईगो में जाइएगा, ना ही आप कोई कन्फ्यूजन क्रिएट कीजिएगा अपने लिए, ना डेस्परेशन दिखाइएगा। और किसी भी बड़े बदलाव को करने वाले हैं तो आप प्लानिंग जरूर कीजिएगा, लेकिन एक महीने का वेट भी जरूर कीजिएगा। चेंजेस हार्ट एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। एक्चुअली इस कार्ड के अंदर आपके पूरे टैरो कार्ड की रीडिंग है। चेंजेस हार्ड एट द फर्स्ट आपके लिए द हैंगमैन का कार्ड और फाइव ऑफ सोर्ड का कार्ड यही बात कहता है। मैसी इन द मिडल, मैसी हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता, हमें पेशेंस रखना ही पड़ता है। एंड गॉर्जियस एट द एंड, तो अपना आप ये देख सकते हैं एंड के कार्ड किस तरह के हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। आपके लिए सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होगा, लेकिन एक अलाइनमेंट में आपको चलना ही होगा। चक्रा मेडिटेशन आपकी हेल्प कर सकता है, कोशिश कीजिएगा अपने ऑरा को अलाइन रखने का या उसको आप बैलेंस रखने का। योर सोल नोस यू आर गुड एनफ, तो आपकी सोल को पता है कि आप अपने लिए सब कुछ चेंज कर सकते हैं, एक बदलाव आप ला सकते हैं। ये विश्वास आपको भी अपने अंदर लेकर आना है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जीज के साथ में आपको रहना है। बॉटम ऑफ द डेक भी है आपके लिए हीलिंग एनर्जीज का यहाँ पर मैसेज, तो हीलिंग ऑलरेडी आपके लिए हीलिंग का कार्ड भी आया है और बहुत सारी हीलिंग है आपके लिए, तो आप हील होंगे हर लेवल पर। तो ओपन रहिएगा रिसीव करने के लिए, ताकि ये न्यू मून की एनर्जी आपको हेल्प कर सके। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए देख लेते हैं कि न्यू मून की और सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि पिका कार्ड के दौरान ही बात करेंगे कि क्या असर रहेगा, तो जो हायर पोजीशंस हैं, अथॉरिटी हैं, गवर्नमेंट है, जो भी लोग पावर में बैठे हैं उनके ऊपर असर रहेगा। आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको शेप करने में आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ जो बदलाव आपके लिए आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो कि ओवरऑल आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, इनकी आपकी बॉडी माइंड और सोल पे। तो आपने कार्ड चुना है हेल्थ का, इस कार्ड में जो पहली लाइन है वो यही है, यू आर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। आप पहले ही इस मैसेज को चुन चुके हैं और आपके लिए एक बदलाव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमें पता ही है कि जो सोलर इक्लिप्स असर करता है आपकी सोल के ऊपर, लूनर इक्लिप्स आपके ऊपर असर करता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो आपके लिए कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है उसमें एक शिफ्ट आना जरूरी है, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। इस टाइम पीरियड में कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट जरूर करें, अगर आपको खुद को रिचार्ज करना है तो रिचार्ज जरूर करें, और घबराएं नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, कंफ्यूजन कह लीजिए, कोई भी चीज़ आपको हेल्प नहीं करने वाली है, क्योंकि जैसे आपने मैसेज चुना है ना योर माइंड बॉडी एंड स्पिरिट का, इसी तरह से आपकी माइंड बॉडी और सोल को या स्पिरिट को एक रिदम में रहना जरूरी है। ये हर एक के लिए बात है, आपके लिए नहीं है खाली, आपको इसी रिदम में रहना होगा।
आपको थोड़ा सा बैलेंस में रख के चलने की कोशिश जरूर कीजिए, अपनी विजडम को जरूर यूज कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि जीवन ने अब तक आपको जो सिखाया है उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। जो भी डिसीजन लेने लगे उसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो कि ईगो बेस्ड डिसीजन हो, कोई भी ऐसा डिसीजन आप नहीं कीजिएगा जिसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट हो या आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको डिस्प्रेशन हो। ये बात मैं आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये चीज आपके साथ में हो सकती है, यानी कि ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। और अगर आपका जो मून है वो मून असेंडेंट है, अगर आप जेमिनी में, लिब्रा में, स्कॉर्पियो में, टॉरस में या फिर सेजिटेरियस में, तो आप लोगों पे असर हो सकता है इसका, यानी कि थोड़ा ज्यादा असर रह सकता है आपकी राशि वाले लोगों को। तो अगर आपका लग्न जो है लिब्रा में है, जेमिनी में है, स्कॉर्पियो में है, टॉरस में है या फिर सेजिटेरियस में है, आप पे असर ज्यादा रहेगा। ये वो राशि नहीं जो कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखते हैं, ये वो राशि है जो कि आपकी जन्मपत्री में होती है। और अगर आपको जन्मपत्री की अपनी नहीं पता है, यानी कि अपना टाइमिंग आपको नहीं पता है, तो जो आपकी नाम राशि है इसका असर वैसा रहने वाला है, क्योंकि आपके नाम का बहुत इफेक्ट होता है आपके ऊपर। तो उन लोगों पे ज्यादा असर रहेगा जो भी लिब्रा, यानी कि जो भी तुला, मिथुन, वृश्चिक, वृषभ और धनु राशि के लोग हैं। एक बार हिंदी में बता देना ठीक रहता है। ओके, देख लेते हैं यहाँ पर आपके पॉसिबल ब्लॉकेजेस भी क्या हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, यानी कि हर लेवल पे तकरीबन सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट साबित होगा। किसी के जीवन में किसी तरह का असर पड़ेगा, किसी के जीवन में किसी तरह का असर पड़ेगा, चेंजेस होते रहेंगे। और जब चेंजेस होते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको बहुत सारा पेशेंस भी लगता है, आपकी विल पावर भी लगती है, और आपके लिए कार्ड एग्जैक्टली वैसे ही आए हैं। और अच्छा है, चेंजेस होने आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि जब आपकी लाइफ में चेंजेस होते हैं तो आपकी एनर्जीज जो हैं हाई होती हैं, तब आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट आता है, तब आपकी एनर्जीज में आप कुछ नया क्रिएट कर पाते हैं। तो जो कुछ भी आपका फेट में अब होगा, यानी कि जो भी आप अगर कहें कि आपके भाग्य में ही लिखा है, आपके भाग्य में अब वो लिखा हुआ है जो कि आपने अपने कर्मा से या अपने पाथ से चूज किया है, यानी कि जो भी कर्मा आपने करने चूज किए हैं, जो भी पाथ आपने चूज किया है, वही अब आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तो अपने अगर अभी तक आपको लगता है कि कुछ आपसे नेगेटिव हुआ है, जो कि हो जाता है, नॉर्मल बात है, इससे इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं थोड़ा ओपन हार्ट और माइंड से देखा करिए, क्योंकि शुगर कोटिंग रीडिंग से आपका कभी भी भला नहीं होने वाला। आप अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें सिर्फ आप खुश होंगे, खुश होकर आप हैप्पी होकर निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर आपको लगेगा कि हमने तो रीडिंग सुनी पर हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। रीडिंग के साथ साथ ब्लॉकेजेस भी बहुत जरूरी होती हैं। पिछले काफी टाइम में मैंने कमेंट बॉक्स में ये पढ़ा है कि लोगों को अपने लिए ब्लॉकेजेस सुनने में अच्छा नहीं लगता। तो देखिए, हाथ जोड़ के आपसे विनती है यही मेरी कि अगर अपनी ब्लॉकेजेस पे आप काम नहीं करेंगे तो जीवन में आप हमेशा एक ही जगह पे एक ही सोच में स्टक रहेंगे। प्लीज अपनी ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए ताकि इस रीडिंग का आपके जीवन पे जो असर हो या फिर इस सिचुएशन का असर हो वो आप अपने लिए बेहतर से बेहतरीन कर पाए। और ये आपके लिए ही है, ये मेरे लिए नहीं है। होप कि इस बात से आपको मदद मिले, या फिर आप में से जो लोग भी स्टक हैं इस तरह की सोच में, आप में से कुछ लोग बाहर निकल के आ पाए, यही मेरी उम्मीद है। इसी उम्मीद से मैं हर रीडिंग को बनाती हूँ। तो आपकी जो सिचुएशन है बहुत ही खूबसूरत है, ये आपके लिए जरूरी है, आपकी लाइफ में जो शिफ्ट आना है जरूरी है। और सबसे खूबसूरत बात क्या है इसमें, ट्रस्ट का कार्ड। ये ट्रस्ट का कार्ड आपसे यही कहता है कि आप ट्रस्ट करेंगे यूनिवर्स के ऊपर और आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे। और ये बहुत 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 खूबसूरत बात है। क्यों है ये खूबसूरत? क्योंकि आपकी चीजों के देखने के नजरिए को चेंज करना है यूनिवर्स ने। यहाँ पे आपको शायद रिश्तों में अभी तक इतनी खुशी नहीं मिली है, इतनी हैप्पीनेस नहीं मिली है, या फिर वो जो एक आप पैम्पर होना चाहते हैं, आपको एक लाड चाहिए, प्यार चाहिए, एक हैप्पी रिलेशनशिप या हैप्पी फैमिली चाहिए, वो आपको नहीं मिली है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं आपके अंदर जिसमें आप ब्लॉक हैं, ये आपके सबकॉन्शियस के कुछ माइंड सेट हैं, इनसे आपको बाहर निकलना होगा। देखिए, जो मैंने अभी बताया भी है आपको कि मन पे प्रभाव पड़ता है, राहु केतु आपके मन की दशा पे असर डालते हैं, आपके दिमाग को भ्रमित करते हैं, आपको घुमा के रख देते हैं। तो अपने आप को जो आपने अभी तक भ्रमित कर रखा था किसी भी तरह से या किसी भी लेवल पे, वहां पर आप कुछ चीजों को अब खुले दिल दिमाग से देख पाएंगे। अगर आपको हारमोनी चाहिए अपने रिलेशनशिप के अंदर, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप खुद भी दें, यानी कि लोगों को आप दें, खुले हाथ से दें। चाहे लोग आपको वापस ना दें, लेकिन आप खुले हाथ से दें, क्योंकि आपको इसी तरह की एनर्जीज को रिसीव करना है। अपने माइंडसेट को चेंज करना है, लोगों के माइंडसेट को चेंज नहीं करना है। देखिए, चेंज का कार्ड ही आपके लिए, क्योंकि ये कार्ड्स कहते हैं कि ये चीजें आपकी, ये कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं नीचे के, ये आपकी ब्लॉकेजेस हैं।
चेंज करना आपकी लाइफ की एक ब्लॉकेज है जो कि नहीं हो रहा है, और उसमें आपकी विल पावर और स्ट्रेंथ लगने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज होगी, आपके सोचने समझने का तरीका चेंज होगा, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि आप लाइफ को लेकर न्यू प्लानिंग्स करेंगे। और अगर कोई बिग डिसीजन आप करने लगे तो प्लानिंग ही कीजिएगा, बिग डिसीजन नहीं कीजिएगा। उसके लिए कम से कम जो अभी सोलर इक्लिप्स लगेगा उससे लेकर नेक्स्ट 1 महीने तक आप वेट कीजिएगा, जब वो टाइम पीरियड ओवर हो जाए उसके बाद ही आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जो कुछ भी आप ओवर कॉन्फिडेंस में करेंगे, ईगो बेस्ड करेंगे, या फिर कन्फ्यूजन में करेंगे, डेस्परेशन में करेंगे, वो सब चीज़ें आपको कोई भी हेल्प नहीं करेंगी। अगर किसी भी लेवल पे आपको लगता है कि आप में ईगो आ जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है, आ जाता है, आपको आप ही सही लगने लगते हैं कि हम ही सही हैं, हम ही सही बात कह रहे हैं, नहीं, आप सही बात कह रहे हैं ये ठीक है, लेकिन दूसरा भी गलत कह रहा हो ऐसा जरूरी नहीं होता। तो ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर आपको किसी से बात नहीं भी करनी है तो आपका खुद के साथ रिश्ता एक बेहतर होना चाहिए। आप नेगेटिविटी को ना करें, लेकिन आप पॉजिटिव एनर्जीज के लिए या पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए ओपन रहें, या फिर लोगों के साथ एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए आपको ओपन रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में हार्मनी नहीं क्रिएट होगी अपनी इमोशंस में, तब तक आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके अबंडेंस वाली एनर्जीज में नहीं जाएंगी, आपके पैसों में, आपकी जॉब में, आपके रिश्तों में वो नहीं जाएगी, अगर आप लोगों को इमोशंस या प्यार खुलकर नहीं दे पाते हैं। तो इसके लिए ही आपको लेट गो करना है और चीजों को छोड़ते जाना है। अगर मैं आपसे कहूं, आप खुद भी देख सकते हैं, 4 of Cups का कार्ड है, 7 of Cups का कार्ड है, 10 of Cups का कार्ड है, 5 of Cups का कार्ड है, सारे कार्ड कप्स के हैं। और जो एक बड़ा कार्ड है वो है मेजर अरकाना का, स्ट्रेंथ का। जैसे कि आपको पता ही है, माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं मुझे इससे। ये कार्ड भी यहाँ पर कप्स का है, और ये कार्ड 1, 2, 3 कार्ड, और चौथा वो आपके लिए मेजर अरकाना के कार्ड है। यानी कि आप समझ सकते हैं इसका मतलब कि आपकी लाइफ में बड़ा शिफ्ट होने ही वाला है। यहाँ पर ये कार्ड भी जो है ये भी कप्स का कार्ड है, तो आप इमोशनली बहुत ज्यादा यहाँ पे इफेक्ट होने वाले हैं। इसके लिए ही आपको खुद की इनर पावर को क्लेम करना है, आपको खुद को ऐसे बबल में रखना है जिसमें आप अपनी लाइट तो शाइन कर सकें लेकिन बाहरी एनर्जीज आपको प्रभावित ना कर सके। अगर अपने कैरियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भी आपको स्ट्रेंथ लगेगी। और देखिए, आपके लिए पास्ट से प्रेजेंट में या फ्यूचर में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसा थॉट पैटर्न है जो आपके पास्ट से आपके फ्यूचर में नहीं जा सकता, उसको बदलना जरूरी है। 4 of Cups का कार्ड आपके लिए किसी ऐसी सिचुएशन की बात करता है जहां पर आप पॉजिटिव को देखने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, या फिर आपको डर लगता है कि अगर आप पॉजिटिव देखने लगे तो 10 of Cups की एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे और पुरानी चीजों से बाहर निकल जाएंगे, पुराने लोग छूट जाएंगे, सोच छूट जाएगी। देखिए, यहाँ पे ना एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जो ये एक अपने ऊपर नहीं लीजिएगा इस बात को, लेकिन ये मैं आपको नॉर्मली एक बात बता रही हूँ जो कि होता है हिप्नोसिस में। जब हम कई बार क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं या उनके सेशन करते हैं ना, तो अक्सर जो लोग होते हैं अपने पेन को नहीं छोड़ना चाहते, वो अपने पेन को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते या अपने किसी थॉट पैटर्न को नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि उनको उससे या तो प्लेजर मिलता है या फिर उनका जो ईगो है वो सेटिस्फाइड होता रहता है। तो आपका वो ईगो है या फिर वो आपका डर है या फिर वो आपका पेन है, आप उसको जीने का जरिया नहीं बनाइए, आप अपनी उदासी को अपने जीने का जरिया नहीं बनाइए, क्योंकि यही चीज है जो आपकी ब्लॉकेजेस में है। 4 of Cups का कार्ड और 5 of Cups का कार्ड आपके लिए वो ब्लॉकेजेस हैं जिनको आपको रिलीज करना है, और ये रिलीज आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन को देखेंगे और उसके लिए आपकी स्ट्रेंथ लगेगी। करेज का कार्ड, दोनों ही कार्ड सेम कार्ड हैं, स्ट्रेंथ का और करेज का सेम कार्ड है आपके लिए ये, लेकिन ये कार्ड यही कहते हैं कि जीवन में अभी भी बहुत कुछ खुशियां बाकी हैं, खुशियां खोई नहीं है, इसलिए माइंड सेट को चेंज करो और पास्ट की एनर्जीज को देखने के बजाय या फिर जो भी आप पास्ट में थे उसको देखने के बजाय अब अपने फ्यूचर की तरफ आप शिफ्ट करो, उसमें एक चेंज लेकर आओ। ये चेंज आपकी ब्लॉकेजेस में है, इसके नीचे है स्ट्रेंथ, यानी कि अभी भी आप स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रहे हैं, या फिर आप स्ट्रेंथ बनाते तो हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके रुक जाती है। अगेन, कार्मिक कार्ड है, आपके फेट की बात करता है, स्ट्रेंथ लगेगी अपने फेट को चेंज करने में अगर आप करना चाहते हैं तो। 7 of Cups का कार्ड, या ये 7 of Cups के कार्ड के नीचे ही 6 of Cups का कार्ड है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड हैं यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, आप खुद ही देख लीजिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद भी कार्ड्स के बारे में जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं आप में से, आप खुद ही देखिए कि कप्स के कार्ड आने का मतलब क्या है। आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा ही है कि अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट को साथ लेकर चलना है, यानी कि एक होल पैकेज हैं आप। ना तो आप अपनी माइंड की केयर करना छोड़ सकते हैं, ना अपनी बॉडी की, ना ही अपनी स्पिरिट की। हर लेवल पे आपको हील होना है, हर लेवल पर आपको खुद को संभालना है, संपूर्ण करना है, होल करना है, और यानी कि संपूर्ण करना है, पूरा करना है। और ये कार्ड भी आपके लिए मैसेज है, यू आर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट का। आप
का एक कॉम्बिनेशन है जो कि आपको नर्चर करने के लिए बताता है एस्पेक्ट फॉर अ होल एंड हेल्दी यू। तो इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें अपने आप को पूरी तरह से आपको नर्चर करना है, खुद को पूरी तरह से आपको संभालना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने इमोशंस की केयर कर रहे हैं और आप एक्ट नहीं कर रहे, अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहे। संपूर्ण तरीके से हर लेवल पे हर तरह से अपने आपको बैलेंस कर ही आगे बढ़ना है। और आपकी माइंड बॉडी और सोल अगर रिदम में नहीं होगी तो भी इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर इसका असर ना हो तो हर लेवल पे आपको यहाँ पे काम करना होगा और अपने आप को संभालना होगा। पुरानी चीजों की वजह से, पुराने पैटर्न्स की वजह से कंफ्यूजन में आप नहीं रहना चाहेंगे, आप लगातार आगे बढ़ना चाहेंगे और अपनी ग्रोथ करना चाहेंगे। ये आपके लिए क्यों जरूरी है? आपके लिए सब चीजें इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको अब यहाँ से उठना है। आपका जो मिसिंग पीस है उसको, अब पजल को आपको सॉल्व करना है, कंप्लीशन करना है, ताकि अब आप फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज में और ज्यादा ना रहें। और ये आपके लिए तभी हो पाएगा जब अपने आप को आप पूरी तरह से ओपन करेंगे, चाहे किसी रिश्तों के लिए हो, चाहे आप अपनी हेल्थ के लिए हो, अपनी लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर हो। पूरी तरह से ट्रस्ट करना होगा, पूरी तरह से लेट गो करना होगा और पूरी तरह से आपको कंप्लीटली सरेंडर करना होगा। इस टाइम पीरियड में आप न्यू प्लानिंग जरूर कीजिएगा, अपने लिए कुछ नए सेटअप कीजिएगा, जो कंफ्यूजन है उसे दूर होइएगा और पुरानी चीजों को लेकर बिल्कुल अफसोस नहीं कीजिएगा। जो भी आपके पास में हुआ है उन सब चीजों को लेट गो करते जाए, उनके आधार पर अपने इस नए जीवन का बेस आप नहीं रखिएगा। आपकी पर्सनैलिटी को, आपके माइंड बॉडी और सोल को, स्पिरिट को एक रिदम में होना ही पड़ेगा। उसी की वजह से, उसी के लिए आपको शिफ्ट लाने जरूरी है। खुद को हेल्प करनी होगी आपने, ताकि आप अपने डिसीजंस में, अपने डिजायर में आप क्लियर हो सकें और अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ कर सकें। तो उसमें सबसे पहले आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। आपकी रीडिंग टोटली, अभी तक मैंने ऑप्शन वन की रीडिंग ही की है और अब आपकी कर रही हूँ। ऑप्शन थ्री की रीडिंग अभी नहीं की है, लेकिन आपकी रीडिंग में जो भी कुछ होगा वो सब कुछ आपकी रीडिंग में कार्ड्स के द्वारा भी आ गया है। यानी कि जो कुछ भी बातें मैंने आपको बताई हैं वो सब चीजें आपकी रीडिंग में अपीयर हैं। तो डेफिनेटली आपके ऊपर कोई ना कोई असर रहने वाला है। वैसे सभी पे रहेगा, लेकिन फिर भी आपको कोशिश यही करनी है कि अपने आप को आप पूरी तरह से बैलेंस करें, प्रोटेक्ट करें, ताकि आप पे कोई असर ना हो। प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत रहेगी। जो भी आप टेक्स्ट करते हैं, या आपके इन-लॉज हैं, या फिर आपके आपकी लाइफ में कुछ भी पुश्तैनी है, उसको लेकर भी यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो असर रहेगा उन लोगों के ऊपर ही असर रहेगा, इन चीज़ों पर असर रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि जिससे भी आप बात करें सोच समझ के करें। न्यू बिगनिंग का मैसेज है आपके लिए, गाइडेंस फ्रॉम मून से, चैनल मैसेजेस का ये टैग है अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो। और बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि कंप्लीशन के कार्ड के साथ ही यहाँ पर आपको जो न्यू मून आपको मैसेज दे रहा है वो है न्यू बिगनिंग। तो नई जो शुरुआत है आपके जीवन में होनी है, इसलिए पुराने को जाना ही होगा। देखिए, अगर आप ये कहें कि पुराने को आप जाने नहीं दे रहे हैं या फिर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, क्योंकि ये भी आपकी पास्ट की मेमोरीज की बात करता है, ये भी पुरानी चीज़ों को देखने की बात करता है, और यहाँ पर भी आपका जो नज़रिया है वो पास्ट की एनर्जीज की तरफ है। कुछ मामलों में आप शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, या कहाँ से आप किस तरह से चले थे और कहाँ आप आके रुके हैं, आपका जीवन पिछला कैसा था, ये कैसा है, कहाँ से क्या सोच रहे हैं, बहुत कुछ अपने आप को लेकर भी आपके मन में चलता रहता है। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट मैसेज इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं आपको, लेकिन आखिर में जो कुछ भी होगा वो बहुत खूबसूरत होगा। आपके लिए ऑलरेडी चेंज का यहाँ पर मैसेज आया है। हिम्मत लगेगी, हौसला लगेगा अपने पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करने में, और कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड भी बार बार नहीं आएगा। आप जो कुछ भी अपने कर्मा से अपने पाथ को चूज करेंगे, देखिए जो कुछ भी आप अपने कर्मा से चूज करेंगे, जो भी अपने पाथ में आप चूज करेंगे, उसका असर आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये कुछ मामलों में कुछ लोगों के लिए परमानेंट बेस पर होने वाला है। आपका असर बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। तो सोच समझ के ही कीजिएगा जो कुछ भी करें। और किसी भी बात में अगर ईगो आता है, कॉन्फिडेंस लेवल ओवर हो जाता है, आपको गुस्सा आता है, उन सबको जरा छोड़ दीजिएगा। रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स टू यू। तो आपने जो कुछ भी अभी तक पकड़ के रखा है, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, फाइव नंबर की एनर्जीज हैं, ये अगेन यही कह रही हैं कि जो कुछ भी चीज़ें आपको ज़रूरत नहीं है उनको रिलीज़ कीजिए। पुराने पैटर्न्स को रिलीज़ करते जाइए, पुराने की हमें ज़रूरत है क्या? सरेंडर कम्प्लीटली। ओ माय गॉड, आप देखिए आपके कार्ड्स में वही मैसेजेस हैं जो कि मैंने आपको दिए हैं, और आपके कार्ड्स में भी वही मैसेज हैं, और जो इंट्यूशन से आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो सब कुछ भी वही है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि इन सब का जो असर है आपके ऊपर रहेगा, आप सरेंडर करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हैं ना,
आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे और यहाँ पे आप सरेंडर करेंगे, क्योंकि आप एक हैप्पी लाइफ को पाना चाहते हैं। आपने अपनी लाइफ से उन सब चीज़ों को टोटली रिलीज कर देंगे। आप देखिएगा, ये आप करेंगे क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग है यहाँ पे। आप एक साहस लगा रहे हैं, पिछले काफ़ी वक्त से लगा रहे हैं, और ये साहस ना आपका इस टाइम पीरियड में डेफिनेटली कम्प्लीट होगा। आपकी सोचने समझने की जो आपकी सोचने समझने का तरीका है ना, वो यहाँ पे पूरी तरह से शिफ्ट होगा। आप चीज़ों को लेकर जो भी अभी तक सोचते हैं, जो रिश्तों को लेकर सोचते हैं, अपनी लाइफ को लेकर सोचते हैं, आपको अब ऑप्शन चुनने में आसानी होगी। भविष्य का सुनहरा सपना आप देखेंगे और उस सपने को आप हर कीमत पे पूरा करेंगे, क्योंकि आपको अब समझ में आएगा कि आपके लिए खुशियाँ तभी हैं जब आपकी खुद के सपने पूरे होंगे। कुछ मामलों में आप खुद को प्रायोरिटी देंगे और खुद को प्रोटेक्ट भी रखेंगे। बहुत 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 खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। तो आप पहला कदम रखिए और आपको पूरे सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्स अपने आप आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है। रिचुअल के लिए वीडियो के एंड में देख लीजिएगा, सभी के लिए एक ही रिचुअल रहेगा। और अगर आपको लगता हो, क्योंकि राहु केतु की एनर्जीज रहेंगी, तो जिनकी राहु केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है राहु केतु की, तो उनके ऊपर भी इसका असर रहने वाला है। राहु केतु होता है तो नेगेटिव फोर्सेस को या फिर नेगेटिव एनर्जीज को थोड़ा सा हाई कर देता है। तो तांत्रिक जो फोर्सेस होती हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो थोड़ी सी हाई हो जाती हैं। वैसे आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि आपके कार्ड्स में एनर्जीज हैं यूनिवर्स में, इसलिए मैं सभी को बता रही हूँ। अगर आपको कभी भी डर लगे, आपको कोई परेशानी हो, तो अगर आप हिंदू हैं तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, पंचमुखी हनुमान कवच पढ़ सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी और को मानते हैं, आप किसी और धर्म के हैं, तो आपके उसमें जो भी प्रेयर्स, प्रोटेक्शन प्रेयर्स दे रखी हैं, जो भी आपको बता रखा है, आप वो पढ़ सकते हैं। मुसलमान हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं। ये जो और भी आपको बता रखी हैं चीज़ें, वो आप कर सकते हैं। तो जो कुछ भी आप अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने लेवल पे कर सकते हैं, वो आप जरूर कीजिएगा, अगर आपको डर लगे या फिर आपको टेंशन हो तो। तो होप के मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और रिचुअल्स को देखना नहीं भूलिएगा लास्ट में। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए न्यू मून की एनर्जीज और सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको यूनिवर्स स्पिरिट क्या गाइड करना चाहती है इस एनर्जीज के लिए। तो जैसे कि हमने बात की थी कि पिका कार्ड के दौरान ही बात करेंगे एनर्जीज के बारे में, तो ये जो एनर्जीज हैं, जो भी हायर पोजीशन में है, पावर में है, गवर्नमेंट में है लोग, उनको असर करने वाली है, और साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी को कोई शेप देने में भी आपकी मदद करने वाली है। कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा आप इस टाइम पीरियड में रिसीव कर सकें, ओपन रह सकें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रेस्ट कीजिएगा, खुद को रिचार्ज कीजिएगा, और जो कुछ भी आपकी लाइफ में आप एनालाइज करना चाहते हैं, उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक बदलाव का समय रहेगा, जब आप एक जगह से दूसरी जगह या तो जा सकते हैं या फिर आप लिटरली शिफ्ट भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 भी चुनने का सोच रहे हों या देखना चाहते हों। तो आप जो भी देखना चाहते हैं उसमें से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो इन दोनों कार्ड्स में से ही किसी को नहीं लेंगे। आप कोई ना कोई कदम उठाएंगे जरूर, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से शायद आप चाहते हैं किसी कदम को उठाना या कोई डिसीजन लेना, आगे बढ़ना। ओह माय गॉड, आपकी तो तीनों ही कार्ड एक्चुअली अभी तक यात्राओं के हैं, आप चल ही रहे हैं इनमें, तो आप डेफिनेटली कोई ना कोई मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पर न्यू मून की और सोलर इक्लिप्स की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। जो कुछ भी कीजिएगा, बहुत सोच समझ के कीजिएगा। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जो कि आप या तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर लें, अपने ईगो में लें, या फिर कंफ्यूजन में लें, या डेस्परेट होकर लें। कुछ मामलों में अगर आपको लगे कि चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं और फिर भी आप लेना चाहते हैं डिसीजन, तो आप प्लानिंग जरूर कीजिएगा, लेकिन मूव करने से पहले आप एक मंथ का वेट कीजिएगा। यानी कि बिग डिसीजंस के लिए ये समय अच्छा नहीं है। और वैसे यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का कार्ड है, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी, उसको जरूर सुनिएगा। अगेन यहाँ पर भी इनर वॉइस का कार्ड है, ये भी सेम कार्ड है और अलग डेक से है, लेकिन ये कार्ड भी आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने के लिए कहता है। आपकी इंट्यूशंस हाई रहेंगी, अगर अपने पे आप काम कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें बहुत मदद करने वाली हैं। अपनी माइंड, बॉडी और सोल को एक रिदम में रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, जिन लोगों पे या जिन राशियों पे सबसे ज़्यादा असर रहेगा ना, या अगर आपका लग्न है इसमें, अगर आप मिथुन लग्न के हैं, लिब्रा, अगर आप लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस, सेजिटेरियस इस लग्न के हैं या फिर इस राशि के हैं, तो आपके ऊपर इसका असर रहने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि खुद को थोड़ा सा बैलेंस करके ही चले। आपकी चाहे राशि है ये या फिर आपका लग्न है, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, टॉरस और धनु राशि, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि और धनु राशि, इनके ऊपर असर रहेगा ही रहेगा।
सोचने समझने के तरीके में भी बदलाव आएगा, अपने आप को बैलेंस करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि अदर राशियों पे प्रभाव नहीं रहेगा, भाई अदर राशियों पर भी प्रभाव जरूर रहेगा, लेकिन बस इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप निश्चिंत हो जाएं कि आपकी ये राशि नहीं है। तो ये वो राशि नहीं है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है, ये आपकी जो नाम राशि होती है आपकी कुंडली के अंदर वो, या फिर आपका जो लग्न होता है उसके अनुसार मैंने आपको बताया है। और साथ ही साथ जिनको अपना लग्न या अपनी राशि नहीं पता है, तो जो नाम आपका बोला जाता है उसके अनुसार जो राशि होती है, अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार आपकी कौन सी राशि है, तो उसका असर भी आप पे रहेगा। क्योंकि जो बोलते हैं, बोलने वाली राशि होती है इनकी, जो नाम आपका रखा हुआ है उसका भी असर आप पे पड़ता है। अगर आपको जो पता है उसके अनुसार देखिएगा, नहीं पता है तो फिर आप उसके अनुसार देखिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए शिफ्ट डेफिनेटली है, अपने ब्लॉकेजेस को आप यहाँ पे एक्नॉलेज करेंगे, अपनी सिचुएशन को आप क्लियर करेंगे। और देखिए ये कार्ड आ गया है, आपको कोई मूव करना है, आपको आगे बढ़ना है, लेकिन शायद आप अपने दिल की सुन नहीं रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद अभी भी चीज़ें ठीक हो जाएं, अभी भी सिचुएशन बदल जाए, अभी भी हालात ठीक हो जाए। आप अपनी सिचुएशन को चेंज तो करना चाहते हैं, लेकिन आप डरते भी हैं। आपको लगता है कि चीज़ें मैं कैसे बदलूं, मैं यूनिवर्स पे कैसे ट्रस्ट करूं। आपके पता पाइल के अंदर दोनों ही जो पाइल हैं उनके कार्ड्स मिले जुले आए हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप ऑप्शन वन या ऑप्शन टू देखने का सोच रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। और देखिए ये कार्ड भी ऑप्शन वन में आया है शायद। तो आपके ये जो कार्ड्स हैं ये सारे के सारे, बस इसको छोड़ के ये सारे कार्ड ऑप्शन वन ऑप्शन टू में आए हैं। और ऊपर से भी ये कार्ड जो हैं ये आए नहीं हैं, लेकिन इनकी एनर्जीज थी। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड हैं ये क्लियरली इस बात को कहते हैं कि आपको कोई मूवमेंट करने में या आगे बढ़ने में डर लग रहा है किसी बात का। आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ से स्टक हैं, पुराने पैटर्न में स्टक हैं। आप बदलाव लाएंगे अपने अंदर, क्योंकि ट्रस्ट आप बेशक अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप करेंगे जरूर, क्योंकि ये आपके लिए ब्रेक थ्रू का कार्ड है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने का कार्ड है। आप किसी के साथ में टोटल रिलेशनशिप को कट ऑफ भी यहाँ पे कर सकते हैं, या ऐसे किसी खुद के भी किसी नेगेटिव पैटर्न या थॉट पैटर्न से आप कट कर सकते हैं जो कि अभी तक आपको बहुत ड्रेन कर रहे थे। आप आर्चेंजल माइकल से प्रेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। आपको लोग जो लोग हैं वो शायद आपका भला नहीं चाहते हैं, या आपका भला हुआ होते हुए देख नहीं सकते हैं। आपको बैड वाइब्रेशंस बहुत भेजी जाती हैं, क्लियरली मैं इस बात को देख पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ। क्योंकि ना आप शायद सबके बीच में, ये बात पहले भी किसी रीडिंग में आई है, लेकिन हो सकता है आपके साथ ये बात हो या आपने उस टाइम में स्पेल को चुना हो। आप चर्चा का विषय हैं लोगों के बीच में, लोग आपके बारे में चर्चाएं करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो ये टाइम पीरियड में आपके लिए चर्चाएं जरूर रहेंगी। यानी कि लोगों की जबान पे आपका नाम रहेगा, आपको क्रिटिसाइज किया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आपको उनको लेट गो कर देना है। और वो क्यों करना है, क्योंकि आपके पास तो इतना टाइम ही नहीं रहेगा। आप खुद को सजाने में, खुद को संवारने में और खुद को निखारने में इतना बिजी होंगे कि आप उन लोगों को कहेंगे कि निकलो यहां से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आप किसी के साथ भी कोई ऐसी एनर्जीज या ऐसा इंट्रेक्शन नहीं करेंगे जो आपकी एनर्जीज को डाउन या ड्रेन करता हो। आपकी आंखों की पट्टी भी खुलेगी जो इसमें बंधी हुई है टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन में एक बड़ा शिफ्ट आएगा, क्योंकि आप आगे मूव ऑन करने के लिए तैयार हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए वाक्य में ही कोई जर्नी हो सकती है, ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, एक जगह से आप दूसरी जगह शिफ्ट करें। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आप कि मन की यात्रा हो सकती है, स्पिरिचुअल वे में हो सकती है, कि आप टोटली अपने आप को किसी ऐसी पुरानी चीज से बाहर निकाल लें जहां पर अभी तक आप खुद को स्टक महसूस करते थे। खुद के ही आपके कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है, या आपने खुद के आगे कुछ ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है जिसमें आपके लिए उसको लांघना आसान तो है, पर आप डरते हैं, आप लांघने से डरते हैं। मैं एक बार टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को आपके लिए क्लियर करना चाहती हूँ कि किस तरह का सच आप देखना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आपको सच तो पता है, पर आप उस पट्टी को खोलना नहीं चाहते हैं। दो कार्ड आए हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, आप खुद की, देखिए मैं जो बात आपसे कह रही थी ना कि नेगेटिविटी लोग आपको भेजते हैं, ये कार्ड एक्चुअली उसकी एनर्जीज को भी बताता है। आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपकी एनर्जीज को, आप अपनी विशेष पूरी ना कर पाए इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिया जाता है। आपके सामने जो भी बातें आती हैं वो आपको कंफ्यूज करती हैं, वो आपको क्लियर नहीं होने देती, आपकी एनर्जीज में नहीं जाने देती हैं। और राहु केतु की जो दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर दशा अगर आपकी चल रही है तो भी आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने आप को आप बैलेंस रखे, मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। ये सभी के लिए बात है, यानी कि सभी को मेडिटेशन करना है। और अगर आपकी किसी भी तरह से राहु की अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या कोई भी दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो आपको असर रहेगा इस एनर्जीज का। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस तरह की एनर्जी से बच के रहें जहां पे नेगेटिव फोर्सेस होती हैं, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब यही है कि आपकी एनर्जीज यहाँ पे
बटी हुई हैं, इनको ऐसा होना है, आपको आप किसी ऐसे कंफ्यूजन में हैं जहां पर आप इन दोनों चीजों को एक नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्किल्स और आपके लिए यहाँ पे खुशियां। ये नाइन ऑफ कप्स का कार्ड टैरो का विश कार्ड है। अपनी प्रतिभाओं के दम पर आप अपनी खुशियां पूरी कर सकते हैं, आपको तो किसी की जरूरत है ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट या डिग्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपनी प्रतिभाओं पर और भी ज्यादा यकीन करना है, अपने मैजिक पर आपको यकीन करना है। अपने मैजिक पर आप तभी यकीन कर सकते हैं जब अपने कन्फ्यूजन से बाहर आते हैं और अपने दिल की आप सुनना चाहते हैं। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अपनी प्रतिभाओं पर आप यकीन जरूर करें, और अगर आपको कोई भी नेगेटिव फोर्सेस का इन्फ्लुएंस लगता है तो आप हनुमान चालीसा का, पंचमुखी हनुमान कवच का, ओम नमः शिवाय का, गायत्री मंत्र का, आप ये सारे जाप कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। अदर धर्म के हैं तो आप प्रोटेक्शन प्रेयर को यूज कीजिएगा, जो भी आपको बताई गई है आपके धर्म के अनुसार, तो उससे भी आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे हिंदू ही देखते हैं इस वीडियो को, आप अदर धर्म के या अदर किसी चीज को फॉलो करने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे। ये कार्ड देखिए, दोनों तरह से हीलिंग का ही कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड पूरी तरह से आपकी हील होने की बात करता है। बेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड बंडर एट इट, डू इट रेगुलरली और सोल नीड्स शूटिंग स्टार नॉट नियॉन लाइट्स। आप ऐसे लोगों से कट ऑफ डेफिनेटली करेंगे जो कि आपको सिर्फ झूठी होप देते हैं और आपकी लाइफ में वो कुछ भी चेंज नहीं करते। आप एक ऐसे बच्चे की तरह हो सकते हैं जिसने लाइफ में चाहा तो बहुत कुछ, लेकिन हमेशा हर इंसान ने उसके या तो भोलेपन का मजाक उड़ाया है या फिर उसको भोला समझकर उसको ठग लिया है। तो जो भी लोग आपको मिले हैं वो डेफिनेटली अच्छे नहीं मिले हैं, ये तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं। कुछ डिसीजंस के भी आपको अफसोस हैं यहाँ पे, लेकिन आप अपने डिसीजंस के साथ में बहुत स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। आपने जो कुछ भी झेलना था वो आपने झेला है, क्योंकि ये ताकत आपने अपने अंदर से लगाई है। आपने आपकी लाइफ में ये कुछ लास्ट मोमेंट्स हैं, यानी कि ये जो पेन के मोमेंट है ना, ये कुछ लास्ट मोमेंट है, इसके बाद में आपकी लाइफ शिफ्ट हो जाएगी। देखिए, जो कुछ भी आपके भाग्य में अब होगा वो होगा जो कि आपने अपने कर्मा से या फिर आपने अपने पाथ पे चूज किया है। तो मैं पिछले काफी 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 वक्त से आप लोगों को बताती आ रही हूँ, बहुत लंबे वक्त से, कि इसका असर रहेगा ही रहेगा, और बहुत टाइम से मैं आप लोगों को सावधान करती आ रही हूँ। तो ये अब एक्चुअली वही असर है, जो भी शिफ्ट अब आप देखेंगे अपनी लाइफ के अंदर वो वही है जो कि आपने अपने कर्मा से चूज किया है, जो कि अपने अपने पाथ में चूज किया है। जो भी रास्ता आपने अपने लिए चुना है, जो भी आपने जिसमें एफर्ट लगाए हैं, जो सोच आपने रखी है, उसका असर ही यहाँ पे दिखाई देने वाला है। लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी बनेगी, लेकिन ईगो नहीं आने दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड का ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस, कन्फ्यूजन, डेस्परेशन आपको कहीं ना कहीं नुकसान जरूर दे सकता है। जो कुछ भी करें अपने माइंड बॉडी और सोल को रिदम में करके कीजिएगा, जो कुछ भी करें उसमें कॉन्शियसली एफर्ट डालिएगा और कॉशियसली ही उसको हैंडल कीजिएगा। अगर आप इमोशनल होकर करते हैं, अगर आप डिस्प्रेशन में करते हैं, या फिर आप अवेयर नहीं हैं और आप कर रहे हैं किसी काम को, या आपने कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होंगे। और कोई भी बड़ा डिसीजन करना है उसके लिए कम से कम प्लानिंग जरूर कीजिए, लेकिन जो भी मूव आपने लेना है, कदम उठाना है, उसके लिए 1 मंथ का टाइम आप जरूर लीजिएगा। कोई भी बड़ा डिसीजन 1 मंथ का टाइम आपका मांगता ही मांगता है। थोड़ा सा यहाँ पे सावधान होने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इस एक महीने के पीरियड में ना एनर्जी शिफ्ट होंगी। अगर आप जल्दी से कोई डिसीजन लेंगे, आप एकदम से किसी जगह से बाहर निकलना चाहेंगे, तो फिर वो आपको ना एकदम से बैलेंस नहीं दे पाएगा। तो आपको बैलेंस क्रिएट करना है और एक स्टेबिलिटी आपको चाहिए जहां पर आप अपनी पावर को क्लेम कर सके, और वो तभी कर सकते हैं आप जब आप थोड़ा सा प्लानिंग करके चलें और अपनी लाइफ में आप ट्रस्ट जरूर करें कि आपके लिए जो होगा वो बेहतर ही होगा। आप पिछले काफी वक्त से शायद अपनी सिचुएशंस को चेंज करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन थक भी शायद आप बहुत गए हैं। तो जो कुछ भी आपको करना है उसमें आपको अपनी चीजों को एक्नॉलेज भी करना है, यानी कि समझना भी है, खुद के लिमिटेड बिलीफ सिस्टम से बाहर आना है, और यूनिवर्स की पावर पे आपको ट्रस्ट करना है। योर सोल नोस यू आर गुड एनफ, आपकी सोल को पता है कि आप अपने लिए अकेले ही काफी हैं। अगर लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, लोग आपको आपकी तारीफ नहीं करते हैं, तो आपकी सोल को आप डिग्रेड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत मैजिकल हैं। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, आपके पास स्किल्स हैं। हो सकता है लोग अभी आपको सही नहीं मिले, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में आप अच्छे नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं, वो ऐसे लोग नहीं मिले या ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली जो आपके लिए अच्छी हो सकती थी। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम, तो ये डेफिनेटली टेस्टिंग टाइम है आपके लिए। तो अपनी सिचुएशन में अपने आप से बहुत ही लॉयल रहिएगा, और अगर किसी रिलेशनशिप में आप हैं तो वहां पर भी लॉयल रहने की कोशिश कीजिएगा।
आपके लिए गाढ़ा यूज हेलीकॉप्टर व्यू। तो सभी चीजों में ना एक बड़ा व्यू आपको देखने की जरूरत रहेगी किसी भी कम्प्लीशन से पहले, क्योंकि कम्प्लीशन का कार्ड है आपके लिए। किसी भी चीज को कम्प्लीट करने से पहले या पूरा करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले आपको सारी स्थितियों का जायजा लेना होगा, उसके बाद ही आपको डिसीजन कीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ पर आप आर्टिफिशियल चीजों को गुड बाय करने वाले हैं या आर्टिफिशियल रिलेशनशिप्स को गुड बाय करने वाले हैं। कोई थॉट भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो कि अब आपको सर्व नहीं करता, आप डेफिनेटली यहाँ पे रिलीज करेंगे, अपने हार्ट को ओपन करेंगे ताकि आप यूनिवर्स से और भी ज़्यादा रिसीव कर पाएं। आपकी साइकिक एबिलिटीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप होंगी ही होंगी, दिखाई दे रहा है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन, तो आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार रखकर ही सब चीज़ों को कीजिएगा। लाइफ बिगेंस एट द एंड ऑफ योर कम्फर्ट जोन, तो जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपके कम्फर्ट जोन में से बाहर निकलने के बाद ही क्रिएट होता है, और वो तभी होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं या फिर अपने आप को पूरी तरह से आप चेंज कर लेते हैं। आपके ही कुछ ऐसे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है जो कि आपको रोक के रखते हैं, वो चीज़ें आप छोड़ेंगे और अपने आप को आज़ाद करेंगे ऐसी किसी सिचुएशन से जहाँ पर आप खुद को स्टक मानते हैं। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। ऑप्शन टू में भी बॉटम ऑफ द डेक यही कार्ड था, तो आपको पूरा बस एक ही कदम उठाना है और उस एक कदम से ही आपकी जिंदगी बदल जाएगी और उसके बाद जो भी कुछ होगा वो बेहतर ही होगा। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग रही है आपकी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो कुछ भी है वो सब कुछ बेहतर ही है, बस अपने ओवर कॉन्फिडेंस से, अपने ईगो से, अपनी कन्फ्यूजन से, डेस्परेशन से बच के रहिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आइए चलते हैं रिचुअल की तरफ। वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। तो देखते हैं कि रिचुअल क्या है। तो रिचुअल के लिए आपको अपनी जगह को क्लीन कर लेना है जहां पर आपको बैठ के रिचुअल करना है। साथ ही साथ इसके लिए आपको चाहिए एक सेज या अगरबत्ती, तो आप सेज या अगरबत्ती से, धूपबत्ती से, जैसे भी अपनी जगह को क्लीन कर लीजिएगा जहां आप बैठेंगे, अपने ऑरा को क्लीन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको इसके लिए दो कैंडल चाहिए, और अगर नहीं है आपके पास तो एक कैंडल से ही काम चला लीजिएगा, लेकिन अगर दो कैंडल आप यूज कर सकें तो अच्छा है। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि एक मेडिटेशन अपने लिए चूज कर लीजिएगा, एक कागज पेन लेकर आराम से बैठ जाइएगा। पानी का ग्लास ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हैं तो जरूर रखिएगा, नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। तो आपको ये करना है कि आपको पहली कैंडल लेनी है और उसको पकड़कर आपने जो भी अपनी इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, जिस भी विश के लिए या लाइफ के जिस भी एरिया के लिए, ओवरऑल जो भी आप अपनी इंटेंशन सेट करना चाहते हैं उसको हाथ में पकड़कर अपने हाथ में ऐसे रख लीजिएगा या ऐसे रख लीजिएगा, जैसा भी आप रखना चाहें, तो उसको पकड़कर आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी है कि आप अपनी इस इंटेंशन के लिए इस रिचुअल को कर रहे हैं या इस विश को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आप इन चीज़ों को करेंगे इस चीज़ के लिए आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने कैरियर में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या क्या स्टेप लेंगे, आप क्या इंटेंशन सेट कर रहे हैं अपने कैरियर को लेकर या अपनी हेल्थ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, उसके लिए आप क्या इंटेंशन सेट कर रहे हैं, उसके लिए आपको उस कैंडल को हाथ में पकड़ना है, इंटेंशन सेट करनी है और साइड में रख देना है। उसके बाद में आपको दूसरी कैंडल लेनी है और आपको इंटेंशन सेट करनी है वर्ल्ड के लिए, यानी कि वर्ल्ड पीस के लिए, इनकी दुनिया में जो शांति है वो बनी रहे और हीलिंग बनी रहे, उसके लिए आपको अपनी इंटेंशन सेट करनी है। वो भी अपने हाथ में लेकर दो मिनट आप एनर्जी दीजिएगा, और उसके बाद में आपको उन दोनों कैंडल्स को जला देना है, और उसको जलाने के बाद में आपने जो भी इंटेंशन सेट करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में क्लियर है तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको लिख भी सकते हैं कि आप क्या क्या करेंगे, और उसके बाद जो लिखा हुआ है उसको अपने हाथ में लेकर आपको मेडिटेशन करना है। कैंडल जितनी देर भी जलेगी जलेगी, अगर बंद हो जाएगी खत्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं, बंद हो जाए तो उसको दोबारा जला लीजिएगा, खत्म हो जाए तो भी कोई बात नहीं। उसके बाद में आप मेडिटेशन कर लीजिएगा। आपका जब मेडिटेशन कंप्लीट हो जाए तो अपनी आईज खोल लीजिएगा, आप चाहें तो उस चिट को रख लीजिएगा, आप चाहें तो उस जो कागज है उसको आप बंद कर दीजिएगा, जैसा भी आप करना चाहें उसको आप कर सकते हैं। यानी कि एक दिन अगर आप रखना चाहें उनका उस कागज को अपने साथ में तो आप रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप उसको हटा सकते हैं, जैसा भी आपकी विश हो। और पानी का ग्लास रखा है तो उसको पी लीजिएगा, यूनिवर्स को थैंक यू कहिएगा आपकी विश को, आपकी इंटेंशन को फुलफिल करने के लिए, और जो भी आपने वर्ल्ड के पीस के लिए या दुनिया में शांति हीलिंग के लिए जो आपने प्रेयर्स की हैं, इंटेंशन रखी है, उसको भी कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्स से थैंक यू जरूर कहिएगा। तो हमेशा याद रखिए, थैंक यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और होना चाहिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्स को ग्रेटफुलनेस की एनर्जी देते हैं, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी देते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट होती हैं। और अगर आप और भी ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड दीजिए, जितना ज़्यादा आभार रहेगा उतनी ज़्यादा ही ब्लेसिंग्स रहने वाली हैं। तो होप कि इन सब चीज़ों से आपको मदद मिले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।